तो भाई क्या हाल है, कैसी चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी? भाई पता है, मेरे पिछले वीडियो में कुछ लोग मुझे कमेंट करके ये लिख रहे हैं कि मेरी हिंदी बहुत ही ख़राब है, योर हिंदी सक्स। तो भाई मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा, भाई मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ यार, हम लोग का यहाँ ऐसा ही हिंदी चलता है। ओए, तुम क्या देख रहे हैं? हम इसको देख रहे हैं भैया, ये जेतू का मतलब क्या है? जेतू? पर मैं वादा करता हूँ कि मैं कोशिश जरूर करूँगा अपनी हिंदी को सुधारने का। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। भाई पता है, हमारे देश के ना हर नौजवान लड़कों का एक नाजायज सपना है, और वो सपना कुछ ऐसा है। अरे आंटी आप। तो भाई आज हम लोग इन्हीं चूतिया बनाने वाले डियोस और इनके झूठे और नाजायज सपने दिखाने वाले एड्स को जरा करीब से देखेंगे। तो चलिए बिना कुंडी खड़काए सीधा शुरू करते हैं। तो ये था डियो का एड्स। ऐसा लगता है कि गलती से प्रोन हब खुल गया। देखो भाई, पहले मुझे लगता था कि ये डियो सिर्फ तन की बदबू मिटाने के लिए होता है, पर आजकल के डियो एड्स के मुताबिक तुम डियो लगाकर किसी के भी अंदर के हवस के आग को जला सकते हो। मतलब तुम 6 महीने तक नहीं नहाओगे और उसके बाद कोई भी डियो लगाकर ये सोचोगे कि लड़कियां तुम्हारे पास चुंबक की तरह खींचे आएगी। चलो एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। मम्मी, देखो भाई, जिंदगी में मुसीबत और लड़की कभी भी आ सकती है बिना दरवाजा खटखटाए। मुसीबत से तो हर कोई निकल जाता है, पर अगर तुम चाहते हो कि लड़की तुम्हारे हाथ से ना निकले तो तुम्हें चाहिए एक्स बुलेट। Stay ready. Axe bullet now free with Axe. अब बात करते हैं ऐसे चमन चूतिया इंसान के बारे में जिसने डियो लगाकर ना सिर्फ लड़की को ही पागल किया है बल्कि लड़की के माँ तक को नहीं छोड़ा, और वो है कुणाल। लोग तो नोटिस करेंगे, वाइल्डस्टोन डियोस। मतलब यार मुझे एक बात समझ में नहीं आता यार, ये बुड्ढा हमेशा कुत्ते की तरह कुणाल को ही क्यों सूंघते रहता है? ऐसा लगता है कि कुत्ते के पेट से जन्म लिया हो। एक तो इससे अपनी बेटी संभाली नहीं जा रही और अब बीबी भी हाथ से गई। मीनाक्षी, यू कैन कॉल मी मीनाक्षी। पॉपकॉर्न? नो थैंक यू, ही इज गेटिंग इट। हेलो सर। भाई मैं तो कहता हूं अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। यू कैन कॉल मी मीनाक्षी, तो तुम उसी वक्त वहां से निकल लेना, समझो तुम्हारी इज्जत खतरे में है। यार एक तो ये फॉग वाले पहले से ही एक अलग ही बकचोदी फैला रखी है। साला किसी को भी पूछो क्या चल रहा है। फॉग चल रहा है, फॉग चल रहा है आजकल तो, फॉग चल रहा है। और अब ये कुणाल, कुणाल पर यहाँ यहाँ तो दिन में ही आग लगी पड़ी हुई है। कहा था ना कि इसे दिन में मत लगाना। अब मैडम को दिन में डियो लगाने से भी प्रॉब्लम है यार, कोई समझाओ इस औरत को यार। डियो सिर्फ रात को लगाकर गिल्ली डंडा खेलने के लिए नहीं होता, डियो हम मर्दों को दिन में भी लगाना पड़ता है पसीने की बदबू हटाने के लिए। अब वो भी ना लगाए हम पर, हमारे जो ये अक्षय पाजी है ये इस बार डियो के एड्स में कुछ नया लाए हैं।
ए, है? क्या करी? उतरी। अब ये लड़की चमगादड़ की तरह अक्षय पाजी के साथ चिपकी हुई है, ये शॉर्ट्स का कमाल है या फिर फेविक्विक का, ये तो मुझे पता नहीं, पर मुझे इतना जरूर पता है कि ये डियोस का जो एड्स है ये काल्पनिक है, इसका असल जिंदगी से कोई वास्ता नहीं है। कोई डियो सुनकर कमर लचका रहा है, तो कोई बारिश में भीग रहा है, तो कोई पतंग काट रहा है, और कोई ना जाने क्या क्या काट रहा है। तो यार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना यार, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ कमेंट जरूर करना यार, तुम्हारा कमेंट बहुत ही ज़रूरी है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, और तुम लोग चाहो तो मुझे फेसबुक और इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हो। यार ये टट्टी किसने किया यार? कुणाल लोग तो नोटिस करेंगे।